राग दरबारी एंड दिस टेक्स्ट. थोड़ा बहुत हिंदी अगर आती है पढ़ने में, या इफ़ यू कैन रैलिश, यू नो, इफ़ यू कैन रैलिश द लैंग्वेज, इन्जॉय द लैंग्वेज, ओके, देन आई वुड सजेस्ट यू एटलीस्ट फर्स्ट रीड इट इन हिंदी एंड लेटर ऑन यू कैन कम फॉर द ट्रांसलेशन, बिकॉज आई एम फ्रॉम हिंदी बेल्ट एंड आई अंडरस्टैंड हिंदी वेरी वेल, आई रीड हिंदी, आई कैन राइट हिंदी वेल. इस टेक्स्ट को थोड़ा सा हिंदी में बताते हैं. देखो, यू नो व्हेन वी से, आई मीन व्हेन वी से दैट व्हाट इज द फ्लेवर ऑफ योर कंट्री, व्हाट इज द फ्लेवर, व्हाट इज दैट समथिंग यूनिक विच यू कैन, आई मीन लाइक एक होता ना इंडियन, इंडियन क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ जुगाड़ तो वी ऑल अंडरस्टैंड कि इंडियन जुगाड़ू होते हैं, सब काम में जुगाड़ लगा लेते हैं. और एक प्योर नोशन होता है ब्रिटिश होने का या अमेरिकन होने का. तो जब हम ये बात करते हैं कोई ब्रिटिशर है, कोई अमेरिकन है, कोई ऑस्ट्रेलियन है, तो वहाँ की जो नेटिविटी है, वहाँ की जो खास चीज़ें, वो उस बंदे में होती है, वो चाहे खाने को लेके, कपड़े को लेके, भाषा को लेके, और मतलब कुछ एक यूनिक होता है. जैसे हम भारतीय हैं, सपोज इफ आई से हम भारतीय हैं, सो व्हाट वुड आई से इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज एन इंडियन, अ ज्योग्राफिकल एंटिटी और अ पर्टिकुलर कल्चर, लैंग्वेज, क्लाइमेट, या फेस्टिवल्स हो गए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के फेस्टिवल मिला लो, तो ये एक सुपरफिशियल सेंस हो गया कि चलो ये भारतीय हैं. लेकिन एक इंटरनल, यू नो, जैसे आप हम, आई मीन व्हेन यू आर लिसनिंग एनीबडी, तो आप लैंग्वेज से समझ जाएंगे, उसके बोलने के अंदाज से समझ जाएंगे कि ये इंडियन, नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, महाराष्ट्रियन है या नॉर्थ ईस्ट से आया है. तो ये जो यूनिकनेस है, आई मीन यू नो, ये यूनिकनेस जो है हमारी देश की, उसको समझना एक बहुत स्पेशल चीज़ है. और अब जैसे कोई बिहार से भी आए तो हिंदी बड़ी प्यारी बोलते हैं वो लोग बड़ा अच्छा हिंदी बोलते हैं. हम कह रहे हैं ना, कुछ अलग सा होगा लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है. या आई एम कृष्णन यम यम अय्यर यम ये PhD, मतलब इस तरह एम ए PhD नहीं, यम ये PhD. तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, होती है, जो यूनिक बनाती है और अच्छा लगता है, आइडेंटिटी भी क्रिएट करती. राग दरबारी जब आप पढ़ेंगे तो मुझे लगा राग दरबारी मुझे बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था. इस टेक्स्ट को पढ़ने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, और बहुत सारी चीज़ें इंडिया के बारे में मुझे समझने का मौका मिला. आई मीन वी आर ऑल रीडिंग, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, और सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं. आई मीन देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच मूव्स अराउंड इन आर माइंड. आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई, आई मीन व्हाई वुमेन आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू चिल्ड्रन, व्हाई animals are being mistreated in our society, why this is not happening, why that is not happening. Lekin thoda sa usko internally samajhne mein, because you know, abhi main aapko ek chota sa example deti, aapko lagega shayad main matlab zyada hi samajh mein nahi aata mujhe, ya main, I mean I am a novice related to that. Literally ek cheez mujhe pata thi lekin dusra aspect mujhe nahi pata tha. To is building mein bahut sare, जैसे पानी आता है ना ऊपर से, पानी गिरेगा तो वो फ्लश का पानी होता है और उसका ड्रेनेज होता है, तो उसमें पीपल का पेड़ लगा हुआ और इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं कि वो लिटरली बिल्डिंग को डैमेज कर रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं. और बिल्डिंग को बचाने के लिए आप मतलब उनको हटाएंगे वहाँ पे, तो रिस्की बिकॉज दे चेंज द होल ड्रेनेज पाइप, और उस पर एक बंदा, वो मतलब लेबर जो है उस पर बैठ के वो पूरे के पूरे पाइप को उन्होंने नीचे उतारा फिर लगाया, और बहुत रिस्की था वो, मुझे तो देखने में ही डर लग रहा था, बट द पर्सन वॉज लिटरली डूइंग इट. आप है ना, ये काट दो पेड़ क्योंकि ये बहुत बढ़ जाएंगे. तो वो सब कुछ था, वो उस पेड़ के पास काम कर रहे थे, वो चढ़े थे बिल्डिंग में, और काफ़ी रिस्की था वो, और वहाँ पर दोबारा जाना पॉसिबल नहीं है, पीपल का पेड़ नहीं काटेंगे. तो मतलब आप सोचिए कि हम एक साइंटिफिक और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो
एक बिल्डिंग है उसमें एक पेड़ उग गया है जिसको आपको हटाना ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज विद अ टाइम पीरियड इट विल डैमेज द बिल्डिंग। लेकिन एक दूसरा नोशन है जो कि एक फेथ का, एक बिलीफ का और एक मतलब आपका जो ब्रॉटअप है उसका नोशन है। और वो नोशन ये कि इवन इफ द पर्सन इज एट द सेम टाइम ही इज एबल टू अप्रोच द ट्री, ही इज एबल टू कट द ट्री, बट उसके एथिक्स, उसके मॉरल्स, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका बिलीफ सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता। एंड देन फाइनली जो भी था, मतलब एक एग्जाम्पल मैंने दिया, इसी तरह से आपने सुना होगा व्हेन दिस स्वच्छ भारत प्रोग्राम स्टार्टेड। सो यू नो व्हाट हैपेंड, स्वच्छ भारत के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज गिविंग मनी, दो स्लॉट्स में पैसा मिल रहा था कि एक स्लॉट में, उसमें सारा ये था कि घरों में शौचालय बनाना, टॉयलेट्स जो है घर में बनाने। और गांव में आप अगर जाएंगे, इंडिया के जो दूर दराज के गांव हैं, वहां पे घर में टॉयलेट का कोई सिस्टम नहीं होता और वो इसे अच्छा भी नहीं मानते। घर का कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे यू कैन लोकेट इवन कि यहाँ टॉयलेट बनेगा, और वो बाहर ही होता है कहीं दूर। अब गवर्नमेंट वॉज पेइंग मनी, ठीक है, और उसमें आपको घर के आसपास कहीं खड्डा खुदवाना है, फर्स्ट फेज ये, सेकंड फेज में आपको टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना। आप यकीन नहीं मानेंगे, आई हैव सीन इट विद माय ओन आईज बिकॉज इट वाज अ प्रोग्राम। लोगों ने टॉयलेट बनवा लिए घर में, जहाँ भी वो इंजीनियर आया लोकेट करके चला गया और टॉयलेट बनवा लिए, बट दे नेवर यूज्ड इट। ओके, सो एंड यू नो व्हाट, पूरा का पूरा आपका एक सेफ्टी टैंक बना है, पूरा खड्डा खुदा है जिसमें आप, मतलब दिस इज़ फॉर पर्टिकुलर यूज़, बट पीपल डिडंट यूज़ इट। अब आप इसे क्या कहेंगे, व्हाट वुड यू से इट, दीज आर द बिलीफ एंड द, हर चीज़ का, हर कंट्री का, हर देश का, हर जनता का, हर पब्लिक का, हर सोसाइटी का एक फ्लेवर होता है। उनके एथिक्स, उनकी बिलीफ इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उसको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, वेदर इट्स अ मनी, इट्स अ फैसिलिटी और इट्स अ कंफर्ट और इट्स अवेलेबिलिटी, वट एवर यू से, यू कैन नॉट चेंज इट। और यहीं पे मैं आपको, हम इस चीज़ को समझने की विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडियननेस, व्हाट इज इंडिया। ओके, सो इसमें जब राग दरबारी आप पढ़ेंगे ना, लिटरली जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक चीज़ सीखी है कि आई मीन यू नो वी लव फूड, वी ऑलवेज वॉन्ट टू हैव फूड, और वेट बढ़ रहा है तो मुझे लगा थोड़ा वजन कम किया जाए तो कैसे करें। देन समवेयर आई वॉज रीडिंग कि खाने को 32 टाइम्स चू करो। ओके, व्हेन यू आर चूइंग योर फूड, व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड, एटलीस्ट टेक द फूड इन योर माउथ एंड काउंट 32 टाइम्स। मैंने प्रैक्टिस की, मैं थोड़ा थोड़ा उस लाइन पर आ गई हूँ, मैं कर रही हूँ। तो यू नो वट आई रियलाइज, सी द टेस्ट ऑफ योर फूड इज इन योर माउथ वेन यू आर चूइंग इट। पेट में जाने के बाद तो वो मिक्सी में पड़ा हुआ कोई भी ब्लेंडेड आइटम है। ओके, पेट उसको ब्लेंड करके और उसका रस निकाल के और ख़त्म। सो देर आर टू वेज, वेन यू रेलिश इट यू चू इट फॉर मोर। और उसके दो फायदे, एक तो आपका वेट कम होगा, एक आप खाने को बहुत इंजॉय करेंगे बहुत ज़्यादा। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू। तो लिटरली जैसे खाने का आनंद आप लेते हैं ना, खाने का आनंद लेना है तो खाने को मुंह में 32 टाइम्स चू करो। आपका जो भी पसंदीदा है, मटर पनीर है या चिकन है, मटन है, वट एवर इट इज़ दैट, इफ़ यू वॉन्ट टू इन्जॉय इट, चू इट मैनी टाइम्स और उसको चू करो और उसको आनंद लो। इसी तरह से अगर आपको राग दरबारी किसी भाषा का आनंद लेना है, इन्जॉय करना है, यू नो लिटरली आप राग दरबारी पढ़े। इतना शानदार टेक्स्ट है ये, इट वॉज रिटन एंड विद इन वन ईयर ऑफ इट्स राइटिंग इट वॉज गिवन साहित्य एकेडमी अवार्ड। और ये लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने, ही वॉज ए IAS ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे श्रीलाल शुक्ल, और ही रोट दिस टेक्स्ट एंड इट्स अ ब्यूटिफुल टेक्स्ट। यू नो राग दरबारी में क्या है, मैं बिफोर आई एक्सप्लेन यू वॉट इज़ द स्टोरी, वॉट आर द कैरेक्टर्स एंड वॉट आर दे डूइंग, इससे पहले मैं आपको उनके कुछ डायलॉग्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगी
और आप बस मुझे एक मैं आपको देखिए कुछ लाइंस में पढ़ के सुनाती हूँ, और आज आज पता है इसको इंजॉय करो, जस्ट लिसन मी, ओके, बस आप सुनिए मुझे, और मैं इसकी कुछ लाइंस पढ़ के सुनाती हूँ, उसमें आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। शुरुआत से ही पढ़ती हूँ थोड़ा थोड़ा, और आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू आर सो पेशेंस एंड वंडरफुल लिसनर। शहर का किनारा उसे छोड़ते ही भारतीय देहात का महासागर शुरू हो जाता था। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था इसका जन केवल सड़कों के बला के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है। अब आप इस स्टेटमेंट को फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से किसी और तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन यू नो मेनी टाइम यू फाइंड आई मीन ऑन द दिल्ली रोड्स ऑल्सो, जब दिल्ली की सड़कों पे वो जो बंपर चलते हैं ना, दोज हु आर द आई मीन दे टेक आउट दिस गार्बेज आउटसाइड सिटी, और इतने भारी भरकम, और आई मीन यू नो द वे दे देयर स्ट्रक्चर इज देयर, देयर हाइट एंड स्पेशली देयर कंडीशन इज देयर, इट इज़ सो हॉरिफिक। और आप अगर गाड़ी चला रहे हैं आप सोचेंगे कि इससे मेरी टक्कर हो गई तो मेरा क्या हाल होगा। सो आई मीन इस स्टेटमेंट को आप पढ़ें, थोड़ा सीरियस है, लेकिन आगे मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। आइए देखिए मैं कुछ कुछ लाइंस आपको पढ़ूंगी, वैसे तो आप खुद पढ़ेंगे मुझे पता है। देखिए अब एक थोड़ा सा स्टेटमेंट है जो फेमिनिन पर्सपेक्टिव से अलग तरह से आप देखेंगे। देखिए मैं ये बाद में पढ़ूँ, पहले ये पढ़ती हूँ। यहाँ बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह दौड़ाता तो उसे मालूम होता वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था, एक्चुअली वो शिवपालगंज थाने के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं श्रीलाल शुक्ल, तो वो थाने के बारे में देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ बैठकर अगर कोई थाने का डिस्क्रिप्शन है, पुलिस स्टेशन का, शिवपालगंज पुलिस स्टेशन का डिस्क्रिप्शन है ये। यहाँ बैठकर अगर कोई चारों ओर निगाह दौड़ा था तो उसे मालूम होता वह इतिहास के किसी कोने में खड़ा है। अभी इस थाने के लिए फाउंटेन पेन नहीं बना था, उस दिशा में कुल इतनी तरक्की हुई थी कि कलम सरकंडे का नहीं था। यहाँ के लिए अभी टेलीफोन की इजाद नहीं हुई थी, हथियारों के में कुछ प्राचीन राइफलें थी जो लगता था गदर के दिनों में इस्तेमाल हुई होंगी। वैसे सिपाहियों के साधारण प्रयोग के लिए बांस की लाठी थी, जिसके बारे में एक कवि ने बताया कि वह नदी नाले पार करने में और झपट कर कुत्ते को मारने में उपयोगी साबित होती है। यहाँ के लिए अभी जीप का अस्तित्व नहीं था, उसका काम करने के लिए दो तीन चौकीदारों के प्यार की छाँव में पलने वाली घोड़ा नाम की सवारी थी जो शेर शाह के ज़माने में हुआ करती थी। ये शिवपालगंज थाने का डिस्क्रिप्शन है। थाने में जीप नहीं है, फाउंटेन पेन नहीं है और राइफलें नहीं है, और राइफलें जो थी उनको लगा गदर पार्टी का था ना, गदर पार्टी का जो ब्रिटिश टाइम में जो था, आज़ादी के टाइम में गदर पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी तो उस ज़माने की थी। और यहाँ पे जो डंडा है जनरली जिसे पुलिस कंट्रोल करती है, तो वो डंडा ऐसा था कि आप उसको पकड़ के नदी लाना पार कर दो या कुत्ते को भगा दो। ठीक है, अब आगे मैं आपको कुछ थोड़ी और लाइनें बताती हूँ। शिवपालगंज के जुआरी संघ के, देखिए एक्चुअली ये जो हाँ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ट्रांसलेशन में बाद में पढ़ूंगी, ये हिंदी का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रही हूँ मैं। हाँ, द स्टोरी ऑफ द राग दरबारी इज इट्स अ स्टोरी ऑफ अ विलेज। ओके, आप यूपी का कोई भी गांव, आई मीन एनी विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश यू कैन इमेजिन, और इलाहाबाद या लखनऊ के आसपास का कोई भी गांव आप देख लीजिए, उसका एक टिपिकल इंटीरियर इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटीरियर इन द सेंस ऑफ ज्योग्राफी एंड ऑल, और इंटरनल इन द सेंस ऑफ कल्चर सोसाइटी एंड यू नो दैट सोशल मेल्यू दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें क्या है, शिवपालगंज में वैद्य जी, तो एक वैद्य जी हैं। अब वैद्य जी किसका सिंबल है, देखिए वैद्य जी इज अ ओल्ड मैन, सो ही इज अ सिंबल ऑफ विजडम नंबर वन। ही इज अ ब्राह्मण, सो ही इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज। ही इज अ अपर कास्ट ब्राह्मण, ओल्ड वाइज मैन हु इज इन अ सेंस यू नो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
ही इज इन द कमांडिंग पोजिशन ऑफ द विलेज. शिवपालगंज की पूरी राजनीति, द होल सोसाइटी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल आर इन हिज कंट्रोल. ओके, तो वैद्य जी, मतलब वैद्य जो वर्ड है, ओके, वैद्य, द वैद्य, दिस वर्ड इटसेल्फ इज सो डीप इन द सेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. द मोमेंट यू से वैद्य, इट्स वेरी क्लियर, इट्स एविडेंटिकल फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ दैट इट्स अ it's a Hindu upper caste Brahmin, old wise man. And the moment we say he's a Brahmin and an upper caste man who is ruling and actually directing the society, तो उनका जो primary जो वैद्य जी का जो हाँ doctor, मतलब आप present context में जो medical professional है, तो वैद्य जी इस वाली कला में भी एफिशिएंट है, एंड दैट्स व्हाई हिज नेम इज वैद्य जी. अदरवाइज हम लोग शर्मा जी या पंडित जी कह देते. इज अ एक सोशल सेंटिटी पे, एक सोशल लेवल पे ही इज परमिटेड टू ट्रीट मेडिकली. ओके, तो वो मेडिसिन भी देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, और वही उनका नोमेनक्लेचर भी है, उनको इसी नाम से जानते बिकॉज दिस इज हिज प्रोमिनेंट आइडेंटिटी. लेकिन वैद्य जो है ब्राह्मण ही होगा, ये बात आप ध्यान रखिए. ओके, वैद्य जो है कोई दूसरी कास्ट का नहीं हो सकता, और ही इज द ब्राह्मण कम्युनिटी इज ओनली इंटाइटल टू ट्रीट और टू इरेडिकेट एनी काइंड ऑफ डिजीज इन द सोसाइटी. सो वैद्य का मतलब मेडिकल प्रोफेशनल हो गए, अपर कास्ट हो गए, हिंदू हो गए, ब्राह्मण हो गए, विजडम उनका है, नॉलेज उनका है, और ये तो उनका एक जो नॉर्मल सोशल रिप्रेजेंटेशन है. नाउ अब जो वैद्य जी को हम देखते हैं, यू नो दीज आर जनरली थिंग्स विच वी कैन सिंपली अंडरस्टैंड. अब इन सब चीज़ों को जो मैंने बोला, इनमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई चालाकी नहीं है, लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है वैद्य जी का, ही इज़ अ थोरो प्रोफेशनल, ही इज़ अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ कंट्रोलर, और वो सारे वो काम कर जाते हैं जिससे सोसाइटी का कंट्रोल इन द सेंस कि ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिवपालगंज, है ना. एक तरह के शिवपालगंज को अगर मैं एक आदमी बोलूँ तो वैद्य जी उसका पूरा हेड है, मतलब मुकुट है उसका, हेड क्राउन है. और या अगर मैं कहूँ कि शिवपालगंज इज एज अ विलेज और एन इंस्टीट्यूशन और ए सिटी या एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, तो उसके कंप्लीट IAS IPS ऑफिसर वैद्य जी है. अब वैद्य जी का जो लोकल सोशल पर्सपेक्टिव में, कल्चरल पर्सपेक्टिव में आप लेंगे तो वो सिंपल है, ऑनेस्ट है, हेल्पिंग है और वाइज मैन है. लेकिन अगर आप इसको पंचायत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, इफ़ यू सी इट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कूल कॉलेज, तो वैद्य जी स्कूल को कंट्रोल करते, यानी कि एजुकेशन सिस्टम पे पूरा कंट्रोल है उनका, पंचायत पे कंट्रोल है. अब आप देखिए, कॉलेज गवर्नमेंट चलाती है, पंचायत गवर्नमेंट चलाती है, और बाकी का जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट के थ्रू आता. नाउ वी ऑल नो दैट पंचायत रिफॉर्म्स इज टेकन प्लेस, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकल यूनिट इन द एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ बींग इम्प्लीमेंटेड बाय द पंचायत. अब पंचायत के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन जब होता है तो पंचायत में हर साल पैसा आता है, है ना. द मनी कम्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू हेल्प द टू गेट द हेल्प और टू गेट द वर्क डन ऑफ द लोकल यूनिट्स. अब वो इकोनॉमी कौन मैनेज करेगा, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ उसको लग रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है सिटी का, विलेज का, वो सब पंचायत देखेगी, उसका जो आने वाला पैसा देखेगा. स्कूल कॉलेज भी गवर्नमेंट के ही होते हैं, क्योंकि वैद्य जी का जो टाइम पीरियड है ना वो गवर्नमेंट का ही ज़्यादा है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इतने फ्लरिशिंग नहीं है अभी. तो जो कॉलेज है उसमें अपॉइंटमेंट होना है, वो एक मतलब एक काफ़ी पावरफुल और सोशल वेटेज वाला इशू है. उसके अलावा वो पैसा जो आ रहा है वो पैसा कहाँ जाएगा, बच्चों को क्या एजुकेशन दी जाएगी, और दो स्टूडेंट्स हु आर देयर वर्क स्टडिंग इन अ कॉलेज या इंटर कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो ही आके जाके पॉलिटिक्स में आएंगे.
तो इसका मतलब है कि द बिगिनिंग ऑफ अवर पॉलिटिक्स वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल एंड कॉलेजेस विच वुड बी लीडिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल इंडिया या पार्लियामेंट को रूल करेंगे। तो आप ये समझिए कि टोटल कंट्रोल अगर मैं शिवपालगंज को एक यूनिट मान लूँ, छोटा यूनिट, और उस यूनिट में एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, कल्चर, सोसाइटी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें वैद्य जी के कंट्रोल में हैं। और अगर मैं इसे एक सिंपल स्मॉल यूनिट मानूँ तो एट द मेजर और द बिगर लेवल ऑफ इंडिया यू कैन थिंक हाउ आवर सोसाइटी इज बीइंग रन। ये एक सटायर है, ओके? और इस टेक्स्ट को इतनी बारीकी और इतनी जहमत से लिखा है, इतना प्यार से इसे लिखा गया है कि लिटरली आपने अगर लैंग्वेज के रूप में जो बेहतरीन यू नो टेस्ट किया होगा विच यू कैन फाइंड आउट हियर, बिलीव मी आप इसे एक बार पढ़ना शुरू करेंगे, यू कैन नॉट स्टॉप इट। और अगर आपने एक बार राग दरबारी नहीं पढ़ा, इफ़ यू आर अ हिंदी रीडर, आई थिंक यू वुड बी मिसिंग अ लॉट इन योर लाइफ। यू कैन नॉट अफोर्ड मिसिंग दिस टेक्स्ट, लिटरली आप इसको मिस नहीं कर सकते। सो मैं आपको थोड़ा और बताती हूँ, आई डोंट नो वेदर वी आर बियॉन्ड टाइम और वॉट, 140 अभी तो टाइम है, ठीक है। अब वैद्य जी का एक बेटा है रुपन, ठीक है, उसके बाद में वैद्य जी, देखिए गांव में सब है, दारोगा है, पुलिस वाला है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कूल है, कॉलेज है, और स्टूडेंट्स है, सारा कुछ है। और वैद्य जी के दो बेटे हैं, एक बेटे का नाम है रुपन बाबू, और मैं क्या पढ़ती हूँ, ठीक है, रुपन बाबू, रुपन जो है वो अपने क्लास में कई सालों से फेल हो रहे हैं, लेकिन नेतागिरी पूरी, लीडर वो हैं पूरे कॉलेज के। रुपन बाबू 18 साल के थे, रुपन वैद्य जी का छोटा बेटा है जो कि पॉलिटिकली हैवी वेट है, वैद्य जी का बेटा है तो ऑब्वियसली इज़ अ वेरी पावरफुल इन द कम्युनिटी सोसाइटी, लेकिन एकेडमिक्स में बहुत पुअर हैं वो। तो आप उनसे मिलते हैं, चलिए रुपन से मिलते हैं। रुपन बाबू 18 साल के थे, वे स्थानीय कॉलेज के 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ने से और ख़ास तौर से 10वीं कक्षा में पढ़ने से उन्हें बहुत प्रेम था, इसीलिए वे उसमें पिछले 3 साल से पढ़ रहे थे। लैंग्वेज का सटायर समझना, यू नो इट्स लिटरली रिलिशिंग। रुपन बाबू स्थानीय नेता थे, उनका व्यक्तित्व इस आरोप को काट देता था कि इंडिया में नेता होने के लिए पहले धूप में बाल सफ़ेद करने पड़ते हैं। उनके नेता होने का सबसे बड़ा आधार यह था कि वे सबको एक निगाह से देखते थे। थाने में दारोगा और हवालात में बैठा हुआ चोर, दोनों उनकी निगाह में एक थे। उसी तरह इम्तहान में नकल करने वाला विद्यार्थी और कॉलेज के प्रिंसिपल की उनकी निगाह में एक थे। वे सबको दयनीय समझते थे, उनका सबका काम करते थे, सबसे काम लेते थे। उनकी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं, अर्पित करते थे, और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। उनकी नेतागिरी का प्रारंभिक और अंतिम क्षेत्र वहां का कॉलेज था, जहां उनका इशारा पाकर सैकड़ों विद्यार्थी तिल का ताड़ बना सकते थे और ज़रूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। तिल का ताड़ बना के ज़रूरत पड़े तो उस पर चढ़ भी सकते थे। वे दुबले पतले थे पर लोग उन्हें उनके मुंह नहीं लगते थे। वे लंबी गर्दन वाले, लंबे हाथ और लंबे पैर वाले आदमी थे। जन नायकों के लिए ऊल झुलूल और नए ढंग की पोशाक अनिवार्य समझकर वे धोती, सफ़ेद धोती और रंगीन बुशर्ट पहनते थे और गले में रेशम का रुमाल लपेटते थे। धोती का कोंच उनके कंधे पर पड़ा रहता था। आपने देखा होगा पुराने फिल्मों में जो धोती पहनते हैं ना कुछ लोग, वो उसका एक नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसको वो अपने शोल्डर पे डाल लेते हैं, उसको कोंच बोलते हैं। धोती का कोंच उनके कंधे पर पड़ा रहता था। वैसे देखने में उनकी शक्ल एक घबराए हुए मरियल बछड़े किसी थी, पर उनका रौब पिछले पैरों पर खड़े हुए एक हिनहिनाते घोड़े का सा जान पड़ता था। आप इसको पढ़ना, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। तो उसके अलावा इसमें जो सबसे मज़ेदार कैरेक्टर है वो है प्रिंसिपल साहब, और उनकी जो लैंग्वेज इन्होंने लिखी है
शिलाल शुक्ल ने बहुत अच्छी है। देखिए, प्रिंसिपल साहब ने आवाज तेज करके कहा, ज्यादा कानून न छांटो। जब से तुम खन्ना के साथ उठने बैठने लगे हो, तुम्हें हर दिन हर काम में दिक्कत मालूम होती है। मालवीय प्रिंसिपल साहब का मुंह देखता रह गया। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय, बस एक बस बिगड़ जाती तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बैठ जाती थी। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बिठा लो, उसने बहुत मीठी आवाज में कहा। पर यहाँ तो नवा दर्जा है, मैं वहाँ सातवें को पढ़ा रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब की गर्दन मुड़ गई। समझने वाले समझ गए कि अब उनके हाथ पैर पैंट की जेबों में चले जाएंगे और वे चीखेंगे। वही हुआ। वे बोले, मैं समझता हूँ, तुम भी खन्ना की तरह बहस करने लगे हो। मैं सातवें और नवें का फर्क समझता हूँ। हमका अब प्रिंसिपल करे ना सिखाओ भैया, जौनू हुकुम है तोनू चुप्पे कैरी आउट करो, आउट करो, समझोगी नहीं। तो प्रिंसिपल साहब एक लेवल पे आके अपनी जो लोकल भाषा है उसमें वो बोलने लग जाते हैं, और बिकॉज ही इज अ प्रिंसिपल तो उनका अपने जो कलीग्स हैं उनसे बहसबाजी होती रहती है और लोग उनको जवाब भी दे देते हैं। और एक इसमें एक थोड़ा रिबेल कैरेक्टर है मास्टर खन्ना। अब आगे देखिए, जो जाति का प्रकरण है, कास्ट का इशू आया है इसमें। खन्ना मास्टर का असली नाम खन्ना था, वैसे ही जैसे तिलक, पटेल, गांधी, नेहरू आदि हमारे यहाँ जाति के नहीं बल्कि व्यक्ति के नाम है। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है। जाति से उसका नाम छीन कर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास और कुछ नहीं रह जाता, वह अपने आप ही खत्म हो जाती। खन्ना मास्टर इतिहास के लेक्चरार थे, पर इस वक्त इंटरमीडिएट के दर्जे में अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। वे दांत पीस कर कह रहे थे, हिंदी में तो बड़ी बड़ी प्रेम कहानियां लिखा करते हो, पर अंग्रेजी में कोई जवाब देते हुए मुंह घोड़े जैसा लटक जाता। घोड़े के मुंह वाला ये लड़का भी इसी का एक अंग था। दर्जे में उसे घुमा फिरा कर रोज रोज बताया जाता था कि जाओ बेटा, जाकर अपनी भैंस दुहो और बैलों की पूंछ उमेटो, शैली और कीट्स तुम्हारे लिए नहीं है। पर बेटा अपने बाप से कई शताब्दी आगे निकल चुका था और इन इशारों को समझने के लिए तैयार नहीं था। एक्चुअली कोई स्टूडेंट है जो पढ़ता नहीं है क्लास में, तो उसको खन्ना मास्टर पढ़ने और पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे थोड़ा सुने आप। वे कमरे के अंदर आ गए। बारी बारी से दो लड़कों की पीठ में उन्होंने अपना पैंट चुभोया। वे उठकर खड़े हो गए। एक गंदे पायजामे, बुशर्ट और तेल बहाते हुए बालों वाला चीकटदार लड़का था। दूसरा घुटे सिर, कमीज और अंडरवियर पहने हुए पहलवानी धज था। अब इसमें एक्चुअली बहुत सारा आप डिस्क्रिप्शन आप देखेंगे तो देर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ इवेंट्स। एक टीचर हैं, उनका घर कॉलेज के पास में ही है और वो आटा चक्की वो चलाते हैं, तो उनको जब भी टाइम मिलता है वो अपने कॉलेज से भागते हैं और आटा चक्की पे अपना काम करके आ जाते हैं। अब वैद्य जी एक चवनप्राश भी बनाते, और वो चवनप्राश ये क्या है कि स्टूडेंट, हर कॉलेज का स्टूडेंट वो चवनप्राश खरीदेगा। वैद्य जी के अपने कॉन्सेप्ट हैं, मतलब मेल फीमेल रिलेशंस को लेके भी उनका एक स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए औरतों के बारे में। ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और कोई बहुत अनएक्सेप्टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन इज बीइंग गिवन। तो आपको इस बात को इस तरह सोचना है, आई मीन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि ये कोई डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं है, ये हमारे समाज की रियलिटी है कि महिलाओं को किस तरह हम देखते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन उनका होता है, किस तरह हम उन्हें समझते हैं और क्या हम उनसे चाहते हैं। द पैराडॉक्सिकल सिचुएशन ऑफ दिस सोसाइटी विच इज़ ऑल्सो एक्सक्लूसिवली रिप्रेजेंटेड इन राग दरबारी इज दैट यू नो द सोसाइटी डोंट वॉन्ट टू डील विद वुमेन, दे डोंट वॉन्ट टू हैव विद वुमेन, बट दे कैन नॉट मैनेज विदाउट वुमेन। Women, if
शी इज़ बींग यूज एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट, शी विल बी सर्वेंट, शी विल बी सबॉर्डिनेट एंड शी हैज़ टू बी देयर. द सोसाइटी कैन नॉट मैनेज विदाउट वुमेन एंड द सोसाइटी कैन नॉट मैनेज विद वुमेन, बिकॉज इफ यू टेक ह्यूमन बींग्स और वुमेन एज ए इंडिविजुअल एंटिटी, दे आर ह्यूमन बींग्स, दे नीड डिग्निटी, रिस्पेक्ट, केयर एंड रिप्रेजेंटेशन. So they do not, the society do not want to give anything to women, but they want to take out. Sex ke roop mein mahila se chahiye, kaam ke roop mein chahiye. Or you know what is the concept which are implicable? Let me just make you very clear. Thoda sa explain karti hu. What is the problem with the caste system? Caste system mein kya hota hai? Ki whosoever, anybody is from any caste. So untouchables and the Dalits or the people who are सर्वहारा जिसको बोलते हैं ना, प्रोलीटेरियट्स. सो वाई प्रोलीटेरियट्स आर रिक्वायर्ड इन द सोसाइटी? बिकॉज दे डू लॉट ऑफ लेबर. तो उसका काम हमें चाहिए. वो दो हाथ पैर वाला आदमी है, इंसान है, जो आपके लिए काम करता है, आपके खेत में काम करता है, आपका झाड़ू पोछा करता है, आपकी नालियाँ साफ करता है. उसका काम हमें चाहिए, लेकिन हम उसको कुछ भी देने को तैयार नहीं. और वो जब कहता है कि एज अ ह्यूमन बींग आई नीड डिग्निटी, रेस्पेक्ट, रिप्रेजेंटेशन, that we are not able to give. And the same thing is with the women. The society want women to be mother, to be wife, to be daughters, to be, unka kaam chahiye samaj ko, lekin usko dena kuch bhi nahi. Usko property rights nahi denge, usko dignity nahi denge, usko koi stability nahi dete hain. Lekin aurat chahiye samaj mein, aurat chahiye, kis liye? Kaam karegi. To ye bahut, these are poignant questions, you know. I don't know whether some of you are liking it or not. और मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन this is what the reality which we have to understand. And you know, open interaction हम लोग कर सकते हैं ऑनलाइन, जिसमें बातचीत करें, डिस्कस करें. गलत या सही छोड़िए ना, just put your own opinion, अपनी बात कहो. गलत है, सही है, इस पे उस पे जाने की ज़रूरत नहीं. Just say what you want to say, कि क्या गलत है, क्या सही है, अपनी बात बोलो. तो कभी हम रखेंगे इस बार, विल बी हैविंग इंटरेक्टिव सेक्शन, जिसमें आप अपनी बात बोलिए. क्योंकि आप जो बात बोलेंगे ना, वो एक नया पर्सपेक्टिव होगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट लर्निंग. तो वो एक नई चीज़ होगी और इट वुड बी वेरी नाइस टू लिसन. मैं उस दिन सिर्फ सुनूंगी आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी उतनी ही सीखने की ज़रूरत है जितना कि मैं बोलती हूँ आपके लिए. तो I am developing myself as a good listener also. Or believe me, listening is also a very wonderful exercise. Thank you, you guys are writing comments also. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं actually एक एक comment पढ़ती हूँ. And I feel so special. Thank you so much. God bless you. Thank you. थैंक यू. नहीं देखिए, मैं पता है अभी चाहती तो बड़ा थॉरली मैं आपको वैसे ही बोल जाती इंग्लिश में. मुझे पढ़ाना आता है इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल जाती हूँ, एक्सप्रेशन कर देती हूँ, वॉट एवर आई स्पीक आई नो माई आना था आप लोगों से. तो अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे. देखो अध्यापिका जी आपकी आवाज़ में ये कहानी रेडियो पर आने वाले आकाशवाणी की याद दिलाती. थैंक यू सो मच अध्यापिका जी, आपकी आवाज़ में ये कहानी. ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय.